हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीमा। मैंने भी पिछली अपनी जो वीडियो पोस्ट करी थी मिंत्रा के रिगार्डिंग, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। रीज़न बीइंग कि मुझे थोड़ी देर पहले ही मैसेज आया कि जो मैंने वॉलेट रिटर्न किया था उसका भी उन्होंने क्वालिटी चेक जो है फेल कर दिया है। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। मैं वैसे तो ये वीडियो किसी और चीज़ के लिए बनाना चाह रही थी, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, बिकॉज ऐसे ना बहुत मन में गुस्सा आया हुआ मुझे इस टाइम पे कि उन्होंने मेरे दोनों प्रोडक्ट के साथ ऐसा किया। हार्ड अर्न मनी होता है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं से पैसे ऐसे ही आ रहे हैं और हम खरीद रहे हैं चीज़ें। और वो जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि मैं कुछ और ऑर्डर कर रही हूँ, मुझे कुछ और रिसीव हो रहा है और वो लोग रिटर्न के टाइम पे ऐसे कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं, बट अगेन सोशल मीडिया पे कोशिश तो करी है जितना कर सकती हूँ, बट आई नो कि हाँ, इतनी बड़ी कंपनी है, अगेन वही चीज़ें हैं ना। चलो हम आज के टॉपिक पे आते हैं। टाइटल देख के आपको पता चली गया होगा कि हम बात कर रहे हैं, अगर आपके बेबी का वेट कम है, फेटस का वेट कम है और आप उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से ऐसे फूड हैं जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं या आपको करना चाहिए। तो देखिए, हर ट्राइमेस्टर में आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो किया जाता है, जिसके थ्रू आपको बेबी का जो वेट है वो पता चलता रहता है। इनिशियली हम लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बेबी के वेट पे, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा होता है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, हमें ये नहीं सोचना है कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ये जो आपको चीज़ें बताऊँगी वो आपने फर्स्ट डे से ही कोशिश करनी है अपने डाइट में इंक्लूड करें, ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम इसके लिए ना रहे। इसके साथ साथ हमने ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको यही बोला जाता है ना कि हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट इसलिए बोला जाता है ताकि आपका वेट गेन ज़्यादा ना हो और बेबी के लिए जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी आपको मिलती रहें। हम डिस्कस करते हैं। पहली जो आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आपने सुना होगा काफ़ी ज़्यादा बाकी वीडियोस में भी कि मिल्क जो है वो आपको डाइट में इंक्लूड करना ही करना है डे वन से, जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आप ये मत सोचिए कि 6 मंथ 7 मंथ के बाद आप पीना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पहले स्टार्ट किया जाए वही चीज़ अच्छी है। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप उसमें बॉर्नविटा ऐड कर सकती हैं, आप हॉर्लिक्स ऐड कर सकती हैं, ये कोई भी ऐसी चीज़ आप उसमें ऐड करके पी सकती हैं जिससे आपको दूध का टेस्ट थोड़ा अच्छा लगे। हर्षी सिरप होता है, आप वो ट्राई करिए, वो भी बहुत टेस्टी है। एक चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को कि दूध कभी भी विदाउट बॉयल किए हुए नहीं पीना है। मतलब जब आप दूध लेते हैं तो उसको बॉयल करने के बाद ही दूध पीना है, कभी भी डायरेक्ट ऐसे उसको मत पीजिए। अगर आपको दिल कर रहा है ठंडा दूध पीने का, आप ठंडा पी सकते हैं, मतलब जैसे आपने फ्रिज में रखा है उसको आप थोड़ी देर के बाद पी लीजिए, बट कोशिश करिए कि आप उसको या तो गर्म पिए या एटलीस्ट रूम टेम्परेचर पे हो तो ही पिए, बट हाँ बॉयल किए बगैर कभी मत पीना आप। इसके अलावा है, आपको योगर्ट अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। योगर्ट से आपका जो गट है वो अच्छा रहता है। बोला जाता है कि अगर पेट अच्छा तो सब अच्छा, आपकी जितनी बीमारियां हैं सब पेट से ही होती हैं। जो आपका डाइजेशन है, जो आपको अंदर कुछ भी बच्चे को न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ, वो तभी अच्छे से पहुंच पाएंगे अगर हमारा गट अच्छा होगा। ये आपको ज़रूर ऐड करना है। पनीर और दूध जो है ना, आपके प्रोटीन फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, तो ये आपको ऐड करना ही करना है। अगर आप पनीर रोज़ नहीं खा सकते हैं तो कोशिश ये करिए कि वीक में एटलीस्ट 2 या 3 बार ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। आप चाहे उसको रॉ खा लीजिए, चाहे आप सब्जी बना के खाइए, बट ज़्यादा फ्राइड नहीं करना है आपने। तो ये आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। सेकेंड हम चलते हैं, अब जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है ये कि अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप अपनी डाइट में एग और चिकन ज़रूर ऐड करिए। चिकन जो है लीन मीट कंसीडर किया जाता है। चिकन में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो जो चेस्ट होती है वो आपको खानी चाहिए, वो फुल ऑफ प्रोटीन होती है, मसल्स को हेल्प करता है ग्रो करने में। इसी तरीके से हमारे बेबी का जो वेट है उसकी जो ग्रोथ है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग आपने कोशिश करनी है कि जब से आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तब से ही आप खा सकते हैं। एग वाइट खाना है आपने, जो येलो पार्ट होता है उसको आप फेंक सकते हैं। एग वाइट खाइए, उसमें प्रोटीन होता है।
जो येलो पार्ट है उसमें फैट्स होते हैं। अगर फैट आप इनिशियल डेज में खा सकते हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप फैट भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि एग जो है, दो एग अपनी डाइट में आप स्टार्टिंग से ले सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक ही एग खाइए आप, क्योंकि वही कि गर्म होता है तो इसीलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो वेजिटेरियंस हैं, सोए प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे सोयाबीन के वो आते हैं, नगेट्स आते हैं, वो आप खाइए। टोफू खा सकते हैं अगर आपको पसंद है। मतलब पर्सनली मुझे नहीं पसंद था तो मैं नहीं खाती थी, बट अगर आप खाते हैं टोफू तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बेट उससे मतलब आपका इनटेक जो प्रोटीन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दालों की। स्पेशली जो ग्रीन मूंग दाल होती है उसको आप सोक करके रख सकते हैं 1 या 2 दिन के लिए। आप उसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो स्प्राउट्स आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्प्राउट, ब्लैक चना आप भिगो दीजिए साथ में एज अ स्प्राउट, आप उसको यूज़ कर लीजिए। या फिर आप क्या करिए कि उसको मिक्सी में पीस के, जैसे हम चीला बनाते हैं बेसन का चीला होता है, वैसे उसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल के आप चीला खा सकते हैं, बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए। दालें जो नॉर्मल हमारी दालें होती हैं, मूंगी मसरी है, आपको पता ही होगी जितनी किचन में दालें अवेलेबल होती हैं, वो आप खाइए। इनसे भी हमें काफ़ी प्रोटीन मिलता है। देखिए बाकी जो इनमें विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स होते हैं वो तो है ही हैं, बट ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिससे आपकी जो प्रोटीन है उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, जो हमें बेबी की ग्रोथ एंड वेट के लिए हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम लोग कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं अदर देन फूड। वो है प्रोटीन पाउडर। आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए, वो जो भी आपको प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करेंगे वो 2 स्कूप्स जो हैं आप दूध में डाल के पी सकते हैं। प्रोटीन पाउडर आप लेते हैं तो आपके बेबी का वेट बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है, अगर किसी के बेबी का वेट कम है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ क्वांटिटी पोर्शन का ध्यान रखना है आपने, वेट अपना नहीं गेन करना है। छोटे छोटे पोर्शंस खाइए। एंड प्रोटीन पाउडर के लिए ऐसा है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट इस बारे में ज़रूर करिए, क्योंकि इससे वेट थोड़ा इंक्रीज़ होने का चांस रहता है प्रोटीन पाउडर से। बट ये मेनली जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फूड की जो आपको इंक्लूड करना चाहिए, तो वो है ड्राई फ्रूट्स। अपनी डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड करिए, उसको सोक करके रख दीजिए आप रात को। जो भी आप आलमंड ले रहे हैं, काजू ले रहे हैं, काजू थोड़ा सा अमाउंट जो है वो कम ही रखिएगा क्वान्टिटी। रेजिन्स आप कर सकते हैं, वॉलनट आप यूज़ कर सकते हैं, 1 वॉलनट जैसे आपने रात को सोक कर दिया और मॉर्निंग में आप उसको खा सकते हैं। आप ये ऐसे भी एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या करें कि अपने जो बेड है उसके पास एक बॉक्स में आप रख सकते हैं ये, कि आपको कभी अगर भूख लगे तो थोड़ा सा आप ये मंच कर लीजिए। मतलब इंस्टेड की कुछ आप फ्राइड या कोई जंक फूड खाएं, उससे बेटर ऑप्शन है। मखानों को रोस्ट करके आप अपने बेड के पास रख सकते हैं, वो आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेंगे आपको। जो चिवड़ा होता है, पोहा जिसे बोलते हैं, उसको आप थोड़ा रोस्ट कर सकते हैं। कोई भी चिवड़े को आप, जैसे चना हो गया, चने के साथ आप रोस्ट कर लीजिए। ऑप्शंस बहुत है स्नैक्स की, अगर आप हेल्दी स्नैक खाना चाहते हैं। यही कुछ ऑप्शंस हैं फूड की जो मैं आपको बताना चाहती थी, कि अगर आपने बेबी का वेट इंक्रीज करना है तो आप इनसे कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रखना है कि शुरू से ही आपको खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपको फ्राइड, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि फ्राइड नहीं खाना है। क्रेविंग्स होती हैं, आई अंडरस्टैंड, बट वो कोशिश करिए ना खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपका पेट तो भर जाता है, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाती है, लेकिन बेबी को वो बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप अपने दिमाग में यही चीज़ बिठाइए कि आपके बेबी के लिए क्या चीज़ हेल्दी रहेगी वो आपको खानी है। क्योंकि बेबी जब डिलीवरी के बाद फर्स्ट 15 डेज या 16 डेज उसका वेट ऑलरेडी मतलब रिड्यूस होता है, और इनिशियली वो इतनी फीड भी नहीं ले पाता, क्योंकि पहले क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के भी इश्यूज आ जाते हैं।
सेकेंडली उसमें अगर वो फीड फॉर्मूला मिल्क वगैरह दे रहे हैं तो इतना इनटेक नहीं रहता है, तो आप उस टाइम पे उसको देख के डिप्रेस हो या परेशान हो कि वेट कम है और वीक हो रहा है, और फिर कॉम्प्लिकेशन और उसी तरीके से बढ़ जाती हैं। सो कोशिश यही करना है कि हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी है। आपको बार बार डाइट के लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो आपके लिए, आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए ठीक है। अगर आप भी हेल्दी होंगी तो ही आप अपने बेबी को बाद में संभाल पाएंगे, अगर आप ही वीक होंगे या आप में जान नहीं होगी तो आप अपने बेबी का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। बस यही आपके साथ शेयर करना चाहती थी मैं वीडियो में। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।